लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पूर्वोत्तर में बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अपांग ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तापिर गाव और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दिया है। पार्टी से इस्तीफा देते हुए गेगोंग अपांग ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपांग ने बीजेपी पर अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए रास्ते से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब सत्ता हासिल करने का एक मंच बन गई है और ये अब एक नेता की मुट्ठी में है। अपांग ने कहा कि बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में 2014 में जनादेश नहीं मिला था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नेतृत्व ने खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह दिवंगत कलिखो पुल को मुख्यमंत्री बनवा दिया। गेगोंग अपांग करीब 22 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अपांग फरवरी 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे।